टाइम निकालने के लिए. मैं डॉक्टर मीरा हूँ. अभी मैं ओएसिस कोमपल्ली देख रही हूँ. और मेनली ओएसिस कोमपल्ली जो है 2 साल पहले हमने इसको लेके आए थे. अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स जो है इससे सक्सेस ले चुके हैं. और मेन जो सक्सेस का पॉइंट होता है वो ये होता है कि पेशेंट जितनी जल्दी अगर वो 1 साल में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल ऑफ मैरिज में नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो इट इज़ तो ये बेटर रहता है कि वो हमारे पास आ जाए ट्रीटमेंट के लिए. बिकॉज मैम थोड़ा सा ट्रीटमेंट चार्ज चेस थे अप्रो चांसेस पूरा कर पाया नहीं. ओके ना. सो द थिंग इज कि जितनी पेशेंट की एज कम होगी, फीमेल पेशेंट की एज कम होगी, जब से उसकी मैरिज हुई है उसकी एज वो ड्यूरेशन कम होगा, वो जो समय है वो कम होगा. तीसरी चीज़ मेल के पैरामीटर्स जितने अच्छे होंगे, ठीक है, उतना अच्छा होएगा उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस. अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को बीपी है, अगर किसी की एज बढ़ रही है, 2 साल हो गए हैं प्रेगनेंसी, किसी को पीरियड्स के वक्त नेलसारी के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, या फिर अगर मिलने में परेशानी हो रही है, हस्बैंड वाइफ को मिलने में परेशानी हो रही है, हस्बैंड नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, या फिर काम का स्केड्यूल इतना ज़्यादा है कि वो दोनों मिल नहीं पाते, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे. और इन केसेस में हम जितनी जल्दी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है. अभी हम अगर देखें तो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है. सेकेंडली जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें मिलावट होती है, तो हम भी देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी जो है लोगों में बच्चा होने की जो क्षमता है बहुत कम हो रही है, और समय के साथ वो चीज़ बढ़ती जा रही है. पहले बहुत कम प्रतिशत लोगों को ये प्रेगनेंसी ना होने की, संतान लेने की प्रॉब्लम होती थी, अभी वो परसेंटेज बहुत बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. अगर हम ये सोचेंगे कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई दूसरा इंसान क्या सोचेगा और उसको टैबू मानेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है. उससे हम अपने चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को और कम करेंगे. तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतने चांसेस होते हैं कि हम जो छोटी ट्रीटमेंट्स हैं उनसे प्रेगनेंसी दे पाएं. और अगर छोटी ट्रीटमेंट से किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो 5-6 बारी 10 बारी ट्राई कर चुका है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, एज बढ़ रही है, या फिर किसी टेस्ट में पता लग रहा है कि अंडों का नंबर कम है, या हस्बैंड के जो कनाल हैं उनका नंबर कम है, तो बेहतर यही है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए. प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है, और जितनी जल्दी वो हो उतनी ही हेल्दी प्रेगनेंसी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं. ये मेरा मैसेज है. Thank you.